दोस्तों सालों साल से चलता आ रहा रामानंद सागर का सुपरहिट शो रामायण जो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। इसमें काम करने वाले सभी कलाकार आज भी लाखों लोगों के चहेते हैं। फिर चाहे भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोबल हो या माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया, इनके अलावा और भी ऐसे किरदार हैं जिनको लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। उन्हीं में से एक किरदार था महारानी कैकेयी की दासी मंथरा का, जो अपनी कुटिल बुद्धि के लिए जानी जाती थी। दोस्तों मंथरा की कुटिल बुद्धि के कारण ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण में मंथरा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल शानदार खबर पर। दोस्तों रामानंद सागर की रामायण में दासी मंथरा का किरदार अभिनेत्री ललिता पवार ने निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। दोस्तों इनके इस किरदार को लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। दोस्तों अभिनेत्री ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अंबा लक्ष्मण राव सागुन था। दोस्तों बात करें, ललिता ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की तरह आर्यन फिल्म कंपनी के साथ की थी। इसी के साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अभिनेत्री ललिता को पहचान मिली रामानंद सागर के शो रामायण में मंथरा का किरदार निभाने पर। और अंत में 81 वर्ष की उम्र में 24 फरवरी सन 1998 को पूरे महाराष्ट्र में उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन दोस्तों आज भी लोग जब जब रामायण को देखते हैं तब तब उनके किरदार को याद करते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ में वीडियो को अपना एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और आपके अपने चैनल शानदार खबर को सब्सक्राइब करें।